आज मैं बनाऊंगी मसाला पाव भाजी, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी, उबले हुए आलू, टमाटर का जो मैंने पीस के रख लिया है, ये बीटरूट, चुकंदर, हरा मटर, ये हरा ताज़ा कटा धनिया, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और टमाटर को मैंने पहले से ही काट लिया। ये है मेरा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब मैंने कढ़ाई को कर लिया है गर्म, जिसमें मैंने सरसों तेल डाला और उसमें जीरा और हींग का मैंने छौंक लगाने के बाद अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट को 2 चम्मच को पेस्ट डाला और इसे मैं भून लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। डाल के इन सबको मैं अच्छे से चला लूँगी। फिर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, इसको भी मैं डाल के चलाऊँगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से सबको चला लिया। फिर मैंने फूल गोभी और पत्ता गोभी को डाल के अच्छे से चला लिया है। ये मैंने थोड़ा सा ये छौंक इसलिए लगाया है क्योंकि गोभी और पत्ता गोभी को उबालने के बाद उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती। फिर मैंने ये जो बीटरूट काटा था उसे मैंने डाल लिया, इससे कलर बहुत अच्छे आते हैं, रेड कलर। फिर ये लगभग मेरा हल्का हो चुका है, तो मैंने इसे अब सब इन सबको कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद टमाटर जो मैंने पीस लिया था उसको मिला के अब इसमें लगा दूंगी मैं सीटी। 1 सीटी लगाने के बाद इसमें मैं आँच को कर लिया है कम। फिर से मैंने कढ़ाई को कर लिया है गर्म, उसमें मैंने प्याज को छौंक लगा दिया है। प्याज जब पानी छोड़ दे तो उसमें मैंने डाला है गाजर, गाजर को भी चलाने के बाद मैंने डाला है अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट को 1 चम्मच। फिर उसे मैंने चलाने के बाद डाला है 1 चम्मच बड़ा सा बटर का, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी बढ़ता है। फिर मैंने थोड़ा सा बीटरूट बचा के रखा था उसे भी मैंने डाल दिया है ताकि ये रेड कलर आ जाए। फिर मैंने हल्दी, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च को डाल के इन सबको अच्छे से चला लिया है। फिर मैंने जो टमाटर अलग से काट के रखे थे उन सबको मिला दिया है। फिर इसको भी मैं अच्छे से चलाऊंगी। लगभग जब मेरा टमाटर सॉफ्ट हो जाए यानी कि पक जाए उस स्टेज पर मैं डालूंगी हरा मटर, इसको भी डाल के मैं अच्छे से चलाऊंगी। फिर मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी डाल के मैंने अच्छे से चला लिया है। अब मैंने मसाला को अलग करने के बाद आलू को भूंज लिया है, इसमें डाला मैंने 1 चम्मच बटर क्योंकि मैंने कढ़ाई को फिर से गर्म नहीं किया था। फिर मैं आलू को अच्छे से भूंज लूँगी, आलू को भूंजना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने इसमें डाला 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और फिर बचे हुए मैंने मसाले को डाल के इसमें अच्छे से चला लिया है। और मेरी जो सब्जी मैंने उबाल के रखी थी उसे भी मिला लिया है। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा भाजी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। लगभग अब मेरा भाजी तैयार है, तो अब मैं इसमें डाल लूँगी पानी। फिर मैंने अब सब भाजी को मिला लिया है और ये मेरी भाजी अच्छे से पक चुकी है। और मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, मेरी भाजी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें।